भारत सहित दुनिया के सभी महिलाओं को दीप्ति भल्ला का नमस्कार। मेरे साथ है मेरे हस्बैंड मनोज भल्ला। आइए बात करते हैं विश्व की सबसे अमीर मार्केटिंग ऑनलाइन कंपनी के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेज़न की। हाल ही में इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये देखिए, इस कंपनी ने हाल ही में एक एस्ट्रे लॉन्च की है जिसमें एक औरत नग्न अवस्था में टांगे खोलकर बैठी हुई है और उसकी योनि खुली हुई है जिसमें आप सिगरेट की ऐश भी डाल सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मात्र 5,000 रुपए में ये कंपनी सेल कर रही है। इस कंपनी का दावा है कि यह एक क्रिएटिव आइटम है और इसे आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए भी लगा सकते हैं। मैं आप सभी बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप इसे अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगाएंगे? जहाँ तक मैं जानती हूँ, इसे कोई भी अपने घर में डेकोरेशन के लिए नहीं लगाएगा। मिस्टर जेफ बेजोस, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने यह प्रोडक्ट किस लिए निकाला है? जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, यह प्रोडक्ट उन बलात्कारी लोगों के लिए निकाला गया है जो कुंठा से पीड़ित है। मैं इस कंपनी के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस को इनके इस क्रिएटिव प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मिस्टर जेफ बेजोस, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपको बहनों बता देना चाहती हूँ कि इस शैतान ने पहले भी हम महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत से प्रोडक्ट इस मार्केट में लाने की कोशिश की है। मेरे हस्बैंड इस बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। पूरी दुनिया के महिला शक्ति को मेरा नमस्कार। मेरी वाइफ जिस अमेज़न कंपनी की बात कर रही है, मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी शुरू से ही यौन हिंसा को बढ़ावा देती रही है। कुछ समय पहले इस कंपनी ने एक बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट अपनी ऑनलाइन कंपनी में बेचा था। ये देखिए, यह एक रेप गेम है। मित्रों, इस रेप गेम में एक महिला अपनी दो मासूम बच्ची के साथ नजर आती है। एक लड़का आता है, गेम शुरू करता है, उसके बाद वह मजे से इसका रेप करता है। उसके बाद वह अपने 4 साथियों या 10 साथियों को और जोड़ सकता है। ये सारे मिलकर उस महिला का सामूहिक बलात्कार करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, इस गेम में एक ऑप्शन दिया गया है कि आप इन महिलाओं का एबॉर्शन भी करवा सकते हैं। जब इस बलात्कारी गेम का इंग्लैंड के एक सांसद ने कड़ा विरोध किया, तो अमेज़न कंपनी ने चुपचाप इस प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दिया। उसके बाद मित्रों, इस कंपनी ने एक और घिनौना प्रोडक्ट निकाला, कि आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये एक शॉर्पनर है जिससे बच्चे पेंसिल छीलते हैं। आप देख रहे हैं, शॉर्पनर में महिला के यौन अंगों में पेंसिल डाली गई है। मित्रों, इसके बाद भी कंपनी नहीं रुकी। और आप मित्रों देखिए, अब फिलहाल कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्रिएटिव एस्ट्रे। जी हाँ, अमेज़न इस एस्ट्रे को क्रिएटिव होने का दावा कर रही है। आप देखिए, इसमें स्त्री कैसे बैठी हुई है, यानी कि अब जो है सारी दुनिया के अमीर लोग अपनी सिगरेट की ऐश महिला की योनि में उड़ जाएंगे। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि यह वही कंपनी है जिसने हमारे तिरंगे झंडे का पायदान बनाकर भी बेचा है, जिसे हमारे विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के कड़े विरोध के बाद चुपचाप बंद कर दिया गया। इस कंपनी ने हमारे हिंदू देवी देवताओं की लेगिंग जिन्हें हम पहनते हैं उन्हें भी बेचने की कोशिश की है। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह कंपनी शुरू से ही यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाली रही है। अब देखिए, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए मित्रों, ये कंपनी सरेआम पूरी दुनिया में ऐसी टी शर्ट बेच चुकी है जो रेप को बढ़ावा देती है। देखिए जरा इनके टाइटल, कीप काम एंड रेप देम, कीप काम एंड हिट हर, कीप काम एंड नाइफ हर। यानी आप महिलाओं से खूब मजे से रेप कीजिए, उनको मारिए, हिट कीजिए। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इस कंपनी की महान क्रिएटिव आइटम एसजे के बारे में। वो रात मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी जब मेरे 13 साल के बेटे ने मोबाइल पे इस पिक्चर को देखकर मुझे दिखाया। मैं इस पिक्चर को मेरे बेटे द्वारा देखकर डिप्रेशन में आ गई। मैं इस कंपनी के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस से पूछना चाहती हूँ कि क्या तू भी अपनी पत्नी की योनि में सिगरेट की राख झाड़ता है? क्या तू भी अपनी पत्नी के पिछले निचले हिस्से में पेंसिल डाल के छीलने की कोशिश करता है? क्या तूने भी अपने बच्चों को ये खेलने वाली गेम्स दी है खेलने के लिए? अगर नहीं, तो क्या दुनिया की बाकी महिलाएं तेरे लिए प्रयोगशाला हैं, तेरे गुलाम हैं? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तेरे लिए तो चुल्लू भर पानी भी कम है गंजे। मित्रों, रेप की समस्या केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की सरकारें चिंतित हैं।
जिस तरह से सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए भारतीय संसद ने हाल ही में एंटी रेप लॉ पास किया था। इस लॉ के अंदर प्रोविजन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की योनि में अगर कोई ऑब्जेक्ट भी डालता है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अमेजन कंपनी ने सरेआम संसदीय अवमानना की है। मैं लोकसभा की स्पीकर आदरणीय सुमित्रा महाजन जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्पीकर महोदय, कृपया करके आप अमेजन कंपनी के खिलाफ संसदीय अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दें। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछना चाहता हूँ कि योर ऑनर, क्या अमेजन जैसी कंपनी को रोकने का कोई कानून नहीं है? सरकारें तरह तरह के कानून बनाती है, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन ये अमेजन कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट को क्यों सेल करती है? योर ऑनर, दरअसल ये जिस तरह के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचे जाते हैं वो एक प्रकार का थॉट होते हैं। अमेजन कंपनी सरेआम पैसा कमाने के लिए इस तरह के थॉट बेचती है जो योर ऑनर धीरे धीरे डिज़ायर बन जाती है, और उसके बाद जब डिज़ायर अपना अंतिम रूप लेती है तो वो एक लस्ट में तब्दील हो जाती है, और लस्ट जाते जाते हमें क्राइम के रूप में नजर आती है। जितनी भी बलात्कार की घटनाएं हो रही है योर ऑनर, वो इसी थॉट का परिणाम होती है। योर ऑनर, आखिर अमेजन जैसी कंपनियां कब तक अपना घृणित खेल खेलती रहेंगी? क्या हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो अमेजन को रोक पाए? मिलोट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को आप स्वतः संज्ञान के रूप में लें। मेरे पीछे दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं इन सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वह इस मुद्दे को अपना विरोध बनाकर दर्ज करवाएं। मैं तो एक मामूली सी हाउसवाइफ हूँ, लेकिन आप सभी के पास तो पैसा भी है और पावर भी है, इसीलिए इस कंपनी के खिलाफ आप मुझसे ज्यादा कड़ा विरोध कर सकती हैं। मैं आप सभी महिलाओं से भी और बहनों से भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज ही आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइलों से और अपने मोबाइल से इस कंपनी के ऐप को अनइंस्टॉल करवा दीजिए, और जब तक इस कंपनी का मालिक हम सभी महिलाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी नहीं मांग लेता, तब तक हम सभी मिलकर इस कंपनी के खिलाफ कड़ा विरोध करती रहेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से प्रार्थना है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और अमेजन जैसी ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमने इस मुद्दे पर पूरी दुनिया को एकजुट करने के लिए कई संस्थाओं को पत्र लिखे हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल सेंटर ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सेंटर वाशिंगटन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन नाउ को भी पत्र लिखा है। मैं महिला शक्ति और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील श्रीमती इंदिरा जयसिंह से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें। इसके अलावा आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मुद्दे को तत्काल गंभीरता से लिया जाए और प्लीज इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहनों, यदि आज हम चुप रहे तो अमेज़न जैसी कंपनियां अपना गंदा खेल खेलती रहेंगी और देश में यौन अपराध बढ़ते रहेंगे और जेफ बेजोस अपना नंगा खेल खेलता रहेगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और देश के कोने कोने तक पहुँचाएं।